अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई जगह का व्लॉग लेके फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ यहाँ की मशहूर लेडीज़ मार्केट, जो कि मॉन्गकॉक में है। मॉन्गकॉक जाने का बहुत आसान रास्ता MTR से है और इसका अपना MTR का एग्ज़िट है। चूँकि मैं मेन हांगकॉन्ग आइलैंड पर रहती हूँ, इसलिए दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए मुझे एडमिरल्टी से MTR को चेंज करना पड़ता है और ब्लू लाइन से निकल के रेड लाइन यानी कि रेड लाइन ट्रैम में मुझे सफ़र करना पड़ता है। हांगकांग दो मेन आइलैंड्स पे मुश्तमिल है। एक को उर्फ़ आम कोलून साइड कहा जाता है और एक को मेन हांगकांग साइड। इन दोनों को मिलाने के लिए ज़ेरे समंदर टनल सिस्टम मौजूद है, जिससे गाड़ियाँ और बसेस कोलून साइड पे जाती हैं या कोलून साइड से हांगकांग साइड पे आती हैं। इसी तरह ट्रैम भी ज़ेरे समंदर टनल के ज़रिए से दूसरे आइलैंड से कनेक्टेड है। हांगकांग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सफ़र नहायत आसान और बहुत इकनॉमिकल है। मैं आपको अपनी पहली वीडियो में भी ये बता चुकी हूँ कि यहाँ MTR का जाल इस तरह से बिछा है कि हर स्ट्रीट के लिए अपना MTR एग्ज़िट है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में माजूर अफराद के लिए खसूसी इंतज़ाम मौजूद है। जगह जगह पे लिफ्ट और एस्केलेटर की सहूलत मौजूद है, इसलिए यहाँ पे सफ़र करना लोकल बहुत ज़्यादा आसान है। लोकल ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने के लिए कुछ टिप्स हैं जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका सफ़र बहुत आसान रहेगा। जब भी एस्केलेटर का इस्तेमाल करें तो हमेशा राइट साइड पर रहें, लेफ़्ट साइड को हमेशा तेज़ी से गुजरने वाले लोगों के लिए खाली छोड़ें। इसके अलावा साइन बोर्ड्स को ज़रूर ध्यान से पढ़ें ताकि आपको अपनी मतलूबा जगह तक जाने में आसानी हो। तीसरी अहम बात, अपने ऑक्टोपस कार्ड को हमेशा तैयार रखें ताकि आपके पीछे खड़े लोगों को इंतज़ार न करना पड़े। जैसे कि यहाँ एग्ज़िट डी का इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी मतलूबा जगह लेडीज़ मार्केट तक आसानी से पहुँच गई हूँ। लेडीज़ मार्केट मॉन्गकॉक में तंग चोई स्ट्रीट पे वाक़ है। इसके करीब ही आपको स्नीकर्स मार्केट और फ्लावर मार्केट भी मिलेगी। लेडीज़ मार्केट टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे आपको सोवेनियर्स आराम से मिल जाएंगे। मैं सुबह तकरीबन 12 बजे के करीब यहाँ आई थी, इसलिए यहाँ पे स्टॉल्स अभी सेट किए जा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनकी फ़र्स्ट कॉपीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और हांगकांग से रिलेटेड जितने भी सोवेनियर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ से। आपको यहाँ चीनी सकाफत से जुड़ी काफ़ी चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे कि चॉपस्टिक्स, ड्रैगन्स, जेड पत्थर के बने बुद्धा और ये चाइना की बहुत फेमस कैट। फ्रिज मैग्नेट्स की तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत वैरायटी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल चाइनीज़ कप्स, चैनक, उसके साथ कावे के प्याले और इस तरह की बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ से चाइनीज़ ट्रेडिशनल ड्रेस जिनको हनफू कहा जाता है उस वो भी मौजूद है और उसमें बड़ों और बच्चों दोनों के साइजेस यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ चाइना मिट्टी से बने चाइम्स से लेके जेड पत्थर के बने चाइम्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे तहाइफ देने के लिए बहुत सी चीनी सकाफती चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप इनसे बारगेन करें तो आप बहुत अच्छी कीमत में इनसे ये चीज़ें ले सकते हैं। मुझे ये स्टॉल हमेशा से ही यहाँ बहुत पसंद है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत कार्टून करेक्टर बनाए गए हैं मुख्तलिफ स्टार्स के।
टूरिस्ट की अट्रैक्शन के लिए यहाँ बहुत सी चीज़ें रखी गई हैं ताकि वो यहाँ से यादगार के तौर पर इन्हें ले जा सके। इसके अलावा इस मार्केट से आपको खूबसूरत पेंटिंग्स भी मिल जाएंगी। फ्रेम आपको इनको ख़ुद कराना पड़ेगा, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वैरायटी यहाँ मौजूद है। यहाँ मैं ये आपको बताते चलूँ कि यहाँ बारगेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ 30% अगर आप उस कीमत का अदा करेंगे तो ही आप अच्छी शॉपिंग कर सकेंगे। ग्रीन जेड चाइना का बहुत मशहूर पत्थर है, इसलिए आपको इसमें ज्वेलरी, डेकोरेशन पीसेस, बैंगल्स, की चेन्स, बहुत सी चीज़ें आपको बनी हुई नज़र आएंगी। चूँकि अब आगे बहुत से त्यौहार आ रहे हैं, जिस तरह के क्रिसमस, न्यू ईयर और चाइनीज़ न्यू ईयर, तो उसके लिए बहुत से हैंडमेड पेपर आर्ट पे बने कार्ड्स मुनासिब कीमतों पे मौजूद थे। इस मार्केट में बच्चों के लिए कॉस्ट्यूम्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं और नौमौलूद बच्चों की बहुत ही खूबसूरत चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। ये हैंडमेड क्रोशिया और केन से बने बैग्स टूरिस्ट की ख़ास अट्रैक्शन थे, इसलिए दुकानदार इनकी कीमतें भी ज़्यादा बता रहे थे। इंटरनेशनल ब्रांड्स पे मौजूद बैग्स और स्टॉलर्स की और यहाँ इसमें इनके पास मुख्तलिफ क्वालिटी और मुख्तलिफ कीमतें थी। लेडीज़ मार्केट की जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे आपको तकरीबन 3 से 4 हलाल रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ इंडियन और कुछ टर्किश रेस्टोरेंट्स हैं। सिल्वर के चेन्स और ब्रेसलेट और बाकी ज्वेलरी के स्टॉल्स भी यहाँ आपको जगह जगह ही नज़र आएंगे। यहाँ मेरा बाज़ार का दौरा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको यहाँ पे मौजूद इसके करीब ही स्नीकर्स मार्केट का भी विज़िट ज़रूर कराऊंगी। अब मैं चलती हूँ वापस घर की जाने। आज मैं आपके साथ दही भल्ले बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपने बेसन ले लेना है। मैं कुछ भी नाप तोल से नहीं डालती हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह भी प्रोपोर्शन लेना चाहें वो ले सकते हैं। मैं हमेशा अंदाजे से ही खाना बनाती हूँ। मैंने बेसन ले लिया और बेसन के अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा, नमक
और सुर्ख मिर्च शामिल की। थोड़ा सा पानी लेके मैंने इसको हाथों से ही मिक्स करना शुरू किया और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा इसमें फोक की मदद से इसको हिलाना शुरू किया। जितना आप इसको हिलाएंगे, इसके अंदर से हवा का गुज़र होगा, उतने ही नरम भल्ले बनेंगे। अब मैंने साथ साथ दही की तैयारी शुरू कर दी। दही में नमक, चीनी, चाट मसाला और खुश्क पुदीना शामिल करके इसको ब्लेंड कर लिया। इसके बाद चम्मच की मदद से मैंने गिबलों का साइज रखा और उसको गरम तेल में डालना शुरू किया। पक जाने के बाद इसको पानी में डाल के इनका एक्स्ट्रा तेल निकाल लिया। उसके बाद एक डिश के अंदर सबसे पहले पानी से निकाले हुए बल्लों को प्रेस करके लगाना शुरू किया और उसके ऊपर कटे हुए प्याज, कटे हुए टमाटर डाल दिए। उसके ऊपर से अपना जो तैयार करता दही था उसको फैला दिया। धनिया और थोड़ा सा अनार भी ऊपर सजावट के लिए डाल दिया। उसके अलावा मेरे पास दो तरह की चटनियाँ थी, जिनमें इमली की चटनी और सब्ज चटनी, तो वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी और इसके बाद चाट मसाला भी उसके ऊपर छिड़क दिया। थोड़ी सी भेलपूरी मैंने दही के ऊपर भी सजा दी, लेकिन ज़्यादा इसके ऊपर नहीं डाली क्योंकि दही की वजह से वो बहुत सौगी हो जाती है और उसका वो क्रंचीपन बरकरार नहीं रहता, इसलिए अलग से इसको एक बाउल में भी मैंने रख दिया है। काम चूँकि ख़त्म हो चुका है इसलिए अपना काउंटर जल्दी से मैंने साफ कर लिया। आखिर में ये क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि 1 अक्टूबर का है, जो कि चाइना की इंडिपेंडेंस डे है। मैंने सोचा कि ये शानदार फायरवर्क का वीडियो आपके साथ भी शेयर कर दूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।